नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार के तीन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान जो हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं, सरकार का विरोध जता रहे हैं। और ऐसे में अब अम्बाला से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने रणनीति तैयार कर ली है किसानों का साथ देने की। और इसी कड़ी में चित्रा सरवारा डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो नेत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या रणनीति है किसानों को लेकर? आगे देखिए, अब तक हमारी रणनीति ये रही कि हम इसे एक राजनीति रूप नहीं देंगे और किसी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसानों की लड़ाई से और उनके मुद्दे से ध्यान हटे, जो कि भाजपा ने हमेशा करने की कोशिश करी है कि ये मुद्दा, ये लड़ाई किसानों की नहीं, ये इस पार्टी की है, ये उस पार्टी की है। अब तक हमारी नीति ये रही कि हम किसानों के पीछे खड़े थे, उनके समर्थन में खड़े थे। जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ पहुँचना था, हम वहाँ पर साथ रहे। और निर्मल सिंह जी ने साफ कहा है कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, खुद निर्मल सिंह जी और उनका कोई भी साथी किसी भी मौके पे, किसी भी मुकाम पे इस लड़ाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। अब हमने देखा है कि अभी रविवार को किस तरह से संविधान का जो है मर्डर हुआ है, प्रजातंत्र का खून हुआ है। ध्वनि मत के अंदर जो एक ऐसी चीज़ जिससे 60% देश की जनता जिससे अफेक्ट होती है, जिसका असर पड़ता है, उस जनता के ध्वनि मत को सड़कों पर जो उतरे हुए हैं महीनों से नकारते हुए, भाजपा ने ध्वनि मत से इन्हें पारित कर दिया। और किसान आज ये महसूस कर रहा है कि हम मर गए, ये उनके एक्चुअल शब्द हैं कि हम मर गए। आज अगर हम अपने संवैधानिक प्रकरण को देखें तो एक मुकाम अभी भी देश के पास और किसानों के पास और हमारे पास है, और वो है हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अगले दिनों में ही राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देगा SDM के माध्यम से उनके नाम, जिसमें हम कुछ सुझाव और कुछ मांगे रखेंगे। उसमें सबसे पहली तो यही आशा और उम्मीद है कि वो इस कुठारघात करने वाले बिल पे साइन करके इसे एक्ट नहीं बनने देंगे, वे इसे वापस सदन में भेजेंगे और इसमें कुछ मांग और सुधार की, संशोधन की वो सुझाव जो है रख के देंगे। और साथ ही में ये भी वो ज़रूर कहेंगे कि इसे एक वोट से, एक डिविजन ऑफ वोट से पास करा जाए, बटन दबा के पास करा जाए, ध्वनि मत से इतना बड़ा पाप ना करा जाए। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के सुझाव किसानों के सुझाव से मेल खाते और कुछ उस पर हमारे अपने हैं। उनमें मुख्य तौर पे ये रहेगा, सरकार संशोधन करे बिल के अंदर, राष्ट्रपति जी इस बात पे जोर दें कि MSP को लिख कर लीगल करा जाए कि जो MSP होगी उससे नीचे किसान की फसल को खरीदना क्राइम होगा, ये कानूनन जुर्म होगा, और इसके लिए जो भी कंपनी, जो भी व्यक्ति करेगा उसे मुआवजा देना पड़ेगा। इसे साफ लिख दे कि MSP से नीचे फसल का खरीदना गलत रहेगा। दूसरा, हमने उनसे कहा है कि जो फसल है, किसान से ये उसको अश्योरेंस दिया जाए कि जितनी भी फसल उसकी है उसकी सारी की सारी फसल का उठान होगा। भाजपा कह रही है कि उसने देश में एग्रीकल्चर को, खेती को, किसानी को प्रगतिशील करने के लिए, दुनिया के स्तर पर लाने के लिए काम किया है। अगर सच में से प्रगतिशील करना है तो किसानों को खुली छूट दें, उन्हें अच्छा बीज दें, उन्हें अच्छा फर्टिलाइज़र दें, पानी मुहैया कराएं और उनकी अच्छी खरीद करें, और उन्हें कहें खुल के पैदा करो, जब हमारे घर में अनाज, हमारा घर भरा होगा तभी हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी पहिए लगेंगे। मैम, आप कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेटिक फ्रंट किसानों के साथ उतरेगा, लेकिन खुद किसान कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में ये कह रहे हैं कि नेतागिरी उनके आंदोलन में ना हो, उनके आंदोलन को सियासी रूप ना दिया जाए। ठीक है, मैं इस मुद्दे पे, मैंने अपने पहले भी कई कार्यक्रमों में किसानों से भी चर्चा करी है। मैं किसान की बेटी हूँ, एक घर में दिन रात ये बातें हमारी चलती हैं। ऐसे कोई सवाल मैं नहीं करूँगी जो मैं अपने घर में अपने पिता से ना करूँ। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था, आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का, किसी वर्ग का कहना हमें राजनीतिक करण से दूर रहना है, ये वो बात होती है कि मछली कहे मुझे पानी से दूर रहना है। राजनीति में कोई बुराई नहीं है, राजनीति ही माध्यम है बदलाव का। आज जो ये संशोधन पास हुए हैं, अध्यादेश लाए गए, ये जो कुठारघात हो रहा है ये राजनीति के ही कारण हुआ। ये उसी सरकार ने करा जिसे बटन दबाकर किसानों ने अपने लिए, अपने द्वारा चुना था, लेकिन उस सरकार ने आज किसानों को लात मारी है, उनके पेट पे लात मारी है, उनके भविष्य पे लात मारी है। अगर ये हालात बदलने हैं, किसानों को अब तक पता चल जाना चाहिए कि महीनों तक वो सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, इस सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी है। अगर उन्हें अभी भी भलेखा है कि बात करके ये सरकार संशोधन बदल देगी, संशोधन करेगी, नहीं होगा। हो सकता है सरकार, जिस दिन किसान को अपने हाथात बदलने हैं उसे सरकार बदलनी होगी, और उसका माध्यम मात्र राजनीति है। जिस दिन किसान के नुमाइंदे होंगे, किसान की बात करेंगे, किसान के लिए कलम उठाएंगे, उस दिन किसान के हालात बदलेंगे। आज किसान किससे मांग कर रहा है, सरकार क्या है? सरकार राजनीति का एक प्रकरण है, उससे जिसे 5 साल की जिम्मेदारी दी है वो लोग हैं, कल ये नहीं रहेंगे।
किसान को जागरूक रहना है, राजनीति का हिस्सा बनना है। किससे मांगेंगे न्याय अगर इन्होंने नहीं दिया तो? कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प खड़ा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बदलाव अनिवार्य हो जाएगा। तो किसानों को प्रकरण को मुख्यमंत्री ने भी क्लीन चिट दे दी है, सेल्फ डिफेंस मुख्यमंत्री से कहते हुए नजर आए हैं, उसे किस तरह देखते हैं? हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी या हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कोई तस्वीर दिखा दें जिसके अंदर किसानों ने किसी भी पुलिस कर्मी पर, चाहे वो प्राइवेट ड्रेस में ही था, ठीक है जी, उस पर अटैक कराओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, सब ने देखा किसानों पे लाठियां बरसी, भाग रहे हैं और हेलमेट पहन के, पुलिस जैसे बल्ले हाथ में लेके, कपड़े चाहे प्लेन क्लोथ्स मैन के हों, किसने लाठियां बरसाई हैं? आज कह देना वो तो सड़क गिरते हुए ने चोट लग गई, ये उपहास है, बहुत भद्दा मजाक है किसान के संघर्ष के साथ, उनके बलिदान के साथ। और ये आज सारी बात से इन्हें अपना पीछा छुड़ाना, अपनी साख बचाना भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है। आज भाजपा के हर जो इनका समर्थक है, जो सहयोगी दल है, उनके नेताओं का पब्लिक में जाना मुश्किल हो गया है और पब्लिक ये मुश्किल बनाए रखेगी उनके लिए। तो ये उन सब बातों को ढकने के लिए है। जो शाम देख रहे हो उसको कह देना ये नहीं हुआ, ये कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। मैम, अब अगर ज्ञापन देने के बाद भी बात नहीं बनती, क्योंकि कुछ दिनों का ही समय है बीच में, उसके बाद क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, उसके बाद जो रणनीति होगी, मुझे भरोसा है कि किसान संगठन कर रहे होंगे। हम अपनी तरफ से एक राजनीतिक आंदोलन भी चलाएंगे, क्योंकि हमारी समझ और सोच साफ है, बदलाव का माध्यम राजनीति है। जब आपके लोग बैठेंगे वो आपके काम करेंगे। तो हम इसके लिए एक राजनीतिक जागरूकता के लिए, एक राजनीतिक एकाग्रता के लिए सड़कों पे भी उतरेंगे, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, मार्चेस होंगी, जो भी हम कार्यक्रम रखेंगे आगे हम उसको डेवलप करते चले जाएंगे। किसी पॉइंट पे हम नहीं चाहते किसानों को ये लगे कि हम उनके आगे अपने आप को कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने उनके साथ चलना है, उनके पीछे चलना है, और हमने उनकी लड़ाई को तीव्रता देनी है, उनकी आवाज़ को ऊँचाई देनी है। तो बिल्कुल, अब हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो किसानों के पीछे खड़ा होकर किसानों की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेगा, ये दावा किया जा रहा है। और देखने वाली बात यही होगी कि किसानों की जो मांगे हैं वो आखिर कब तक सरकार सुनती है, क्योंकि अब जो गेंद है वो राष्ट्रपति के पाले में, और इसी को लेकर HDF जो है वो अब ज्ञापन सौंपने का काम शुरू करेगा। बहरहाल, इसी तरह अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।